हाय दोस्तों नमस्कार। चलिए पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से है, काउंसलिंग फॉर प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ इज डन एट विच लेवल ऑफ सर्विस प्रोविजन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, ऑप्शन में देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बी ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सी ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई, बीएमआई फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, सी आएगा, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवर वेट रेफर टू ए बीएमआई ऑफ है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, ऑप्शन देखिए, लेस देन 18.5 केजी प्रति मीटर स्क्वायर, या बी है मोर देन 25.0 केजी प्रति मीटर स्क्वायर, या सी है लेस देन 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर, या डी है मोर देन 18.5 केजी प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, तो मोर देन 25.0 केजी प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ICTC स्टैंड फॉर, तो ICTC का फुल फॉर्म क्या होगा, किसके लिए बनी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर टेस्टिंग ऑफ क्रोनिक डिसीज़, बी है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर फॉर HIV एड्स, सी है सॉरी बी है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, सी है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग टेस्टिंग सेंटर फॉर HIV एड्स, और डी है इंटीग्रेटेड चाइल्ड ट्रेनिंग सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, सी आएगा, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर फॉर HIV एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडोलसेंट इज ए ट्रांजिशनल फेज बिटवीन, जो एडोलसेंट की जो ट्रेडिशनल फेज है क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन देखिए, टीन एज एंड एडल्ट हुड, बी है चाइल्ड हुड एंड टीन एज, सी एडल्ट चाइल्ड हुड एंड एडल्टुड, डी है चाइल्ड हुड एंड टीन एज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, सी आएगा, चाइल्ड हुड एंड एडल्टुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ऑप्शन देखिए, ए है चूज साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। दोस्तों जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो उसका जो साइड इफेक्ट होगा क्या होगा, ऑप्शन देखिए, ए पेन इन एब्डोमेन, बी है इंक्रीज एपेटाइट, सी है लूज मोशन, डी है इंटरमिटेटेड स्पोटिंग। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, डी आएगा, इंटरमिटेटेड स्पोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन हैज हाईएस्ट फेलियर रेट। तो कौन सा मेथड रहेगा जिससे फेलियर के चांस ज़्यादा बनेंगे, ऑप्शन ए है क्वाइटस इंटरप्टस, बी है कंडोम, सी है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, डी है ट्यूबल लिगेशन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, क्वाइटस इंटरप्टस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज छाया, छाया क्या होती है दोस्तों, ए कंट्रासेप्टिव पिल्स, बी है एन इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, सी है ब्रांड नेम ऑफ फीमेल कंडोम, डी है नन ऑफ द एबव। तो इसके जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, ए आएगा, ए कंट्रासेप्टिव पिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन हेल्दी बर्थ स्पेसिंग बी एकम्प्लिस्ड। तो ऑप्शन देखिए, ए रिदम मेथड, बी बैरियर मेथड, सी है हार्मोनल मेथड, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, ऑल ऑफ द एबव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट मिशन परिवार विकास, मिशन परिवार विकास का बारे में क्या सत्य है, न्यू नेम ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, बी है रिलेटेड टू कंट्रासेप्टिव एंड फैमिली प्लानिंग सर्विस, सी है गिविंग ऑल हेल्थ सर्विसेज अंडर आयुष्मान भारत, डी है फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, बी आएगा, फैमिली
सॉरी रिलेटेड टू कंट्रासेप्टिव एंड फैमिली प्लानिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ऑप्शन देखिए, ए सिफिलिस, बी गोनोरिया, सी फेब्राइड यूट्रस और डी है HIV। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, क्वेश्चन पढ़ने में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा, फेब्राइड यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकनगुनिया कास्ड बाई, चिकनगुनिया किसके द्वारा होती है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, बैक्टीरिया, बी वायरस, सी पैरासाइट और डी है प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, चिकनगुनिया का काज है वायरस। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, कॉलरा इज वाटरबोर्न डिसीज है, बी है एयरबोर्न डिसीज, सी है जेनेटिक डिसऑर्डर, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, कॉलरा जो है वाटरबोर्न डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज कंसीडर ए न्यू काज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का न्यू काज कंसीडर कौन करता है, ए TB पेशेंट हु हैज नेवर हैड एनी ट्रीटमेंट फॉर TB और हैज टेकन एनी एंटीबायोटिक ड्रग्स एंटी TB ड्रग्स, बी ए TB पेशेंट हु हैज टेकन ट्रीटमेंट फॉर TB फॉर लेस देन 1 आवर मोर, या सी ए बोथ है ऑफ दीज और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, सी आएगा बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वाटरबोर्न डिसीज एक्सेप्ट, एक के सिवाय सभी वाटरबोर्न डिसीज का कारण है, काज है। ऑप्शन देखिए, ए कोलरा, बी मम्स, सी हेपेटाइटिस, ए बी है टाइफाइड फीवर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, बी आएगा मम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजल्स कैन बी एलिमिनेटेड बाई, ए है प्रॉपर ट्रीटमेंट, बी है वैक्सीनेशन, सी है बोथ ऑफ दीज और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, बी आएगा वैक्सीनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिमिशन बेस कॉम्बिनेशन थेरेपी ACTS आर यूज फॉर ऑफ ट्रीटमेंट। ऑप्शन ए डेंगू, बी चिकनगुनिया, सी ट्यूबरक्लोसिस, डी मलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, डी आएगा मलेरिया। 68 के क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, HIV इन्फेक्शन इज कास्ड बाई, HIV इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, ए है वायरस के द्वारा, बी बैक्टीरिया, सी फंजाई एंड पैरासाइट, डी है नन ऑफ दीज। तो HIV एड्स जो दोस्तों है वो आपको नाम से समझ में आता होगा, HIV एड्स से वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए के बारे में क्या सत्य है, ए कम्युनिकेबल डिसीज, बी है ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, सी है काज बाय हेपेटाइटिस ए वायरस, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट टाइफाइड, टाइफाइड के बारे में क्या सत्य है, इट इज कास्ड बाय वायरस, बी है स्प्रेड बाय डॉपलेट इन्फेक्शन, सी है ऑल ऑफ अफेक्टेड इंटेस्टाइन, डी है अफेक्टेड किडनी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, अफेक्टेड इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या नाम से वैक्सीन है उसके अगेंस्ट में, तो ए है IPV वैक्सीन, बी है हेपेटाइटिस वैक्सीन, सी है HPV वैक्सीन, डी है एंटीवायरल वैक्सीन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, सी आएगा HPV वैक्सीन। नेक्स्ट देखिए, अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाई, अस्थमा किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, ए है प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जी, बी है टेक वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, सी है टेकिंग मेडिकेशन रेगुलरली, डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या है, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट ए रीजन फॉर हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया के लिए इज नॉट ए रीजन, जो कारण नहीं है एक
ए है स्कीपिंग मील, बी है लेस फिजिकल एक्टिविटी, सी है टेकिंग मोर देन रिकमेंडेड डोज ऑफ इंसुलिन, डी है इंसुलिन सॉरी साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, बी आएगा लेस फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज मैनी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में भी डैमेज में डैमेज, तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में क्या डैमेज होता है दोस्तों, ए है हार्ट, बी है ब्रेन, सी है किडनी एंड आई, और डी है नन ऑफ द सॉरी एनी वन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के द्वारा डैमेज होती है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में भी डैमेज, तो एनी वन ऑफ द दी जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ आईडीडी इज, ऑप्शन ए आइडियोपैथिक डायलेशन डिसऑर्डर, बी ए इम्पीडियो डिफिशियंसी डिसऑर्डर, सी ए आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, और डी ए इन्फेंटाइल डिजिटल डिसऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, आईडीडी के फुल फॉर्म तो इन्फेंटाइल डिजिटल डिसऑर्डर आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एंटी एंटेरियर स्क्लेरोसिस द ब्लड वेसल्स बिकम, ऑप्शन ए थिक एंड स्टिफ, बी ए फ्रेजाइल, सी ए इलास्टिक, और डी ए नन ऑफ द एवब। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या आएगा, ए आएगा थिक एंड स्टिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंग्रेडिएंट हैज हाई कंटेंट ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड का हाई कंटेंट कौन सा इंग्रेडिएंट है इनमें से, ए है ब्लैक रॉक साल्ट, बी है आयोडीन साल्ट, सी है शुगर, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, ए आएगा ब्लैक रॉक साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल फॉर सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर में जो स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है क्या दोस्तों, ए है पेप स्मियर टेस्ट, बी है विजुअल इन्फेक्शन विथ एसेटिक एसिड, सी है टेस्टिंग फॉर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस फॉर एच हाई रिस्क एच पी वी टाइप, और डी है ऑल द एबव। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए, द कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर आर एक्सेप्ट, एक के सिवाय कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है कैंसर का दोस्तों, ए है टोबैको एंड फैमिली स्टोरी, बी है अल्कोहल एंड स्मोकिंग, सी है पॉल्यूशन एंड रेडिएशन, डी है एक्सपोजर एंड कॉन्टैक्ट विद कैंसर पेशेंट। तो कॉमन रिस्क फैक्टर में दोस्तों क्या आएगा, तो कॉमन रिस्क फैक्टर में है एक्सपोजर एंड कॉन्टैक्ट विथ कैंसर पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल्स, ऑस्टियोपोरोसिस की जो डिफिशियंसी होती है किसके कारण होती है, कौन से तत्व के कारण होती है मिनरल के कारण, तो ऑप्शन देखिए ए पोटेशियम, बी आयरन, सी कैल्शियम, डी जिंक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, कैल्शियम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, UHC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड, ए है आरोग्य भारत योजना, बी है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सी है आयुष्मान भारत योजना, डी है उज्ज्वला योजना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, आयुष्मान भारत योजना आएगा, किसके उसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में UHC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन परिवार विकास इज इनिशिएटेड अंडर, ए है मैटरनल हेल्थ, बी है न्यूट्रिएंट, बी है फैमिली प्लानिंग, और डी है एडोलसेंट हेल्थ। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, सी आएगा फैमिली प्लानिंग, मिशन परिवार विकास इनिशिएट फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा अस्पताल मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन एंड वेब पॉपुलर इनिशिएटेड फॉर
ए है मैप ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बी है पेशेंट फीडबैक, डी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सॉरी सी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डी है ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो मेरा अस्पताल मोबाइल बेस एप्लीकेशन पोर्टल इनिशिएट किसके लिए बना है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर आएगा बी है पेशेंट फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वाज लॉन्चेड, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ दोस्तों? ए है 1950, बी है 1951, सी है 1952 और डी है 1953। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? बी आएगा 1951। पल्स पोलियो एग्जामिनेशन वाज लॉन्च, पल्स पोलियो एग्जामिनेशन वाज लॉन्च, जो पल्स पोलियो एग्जामिनेशन कब लॉन्च हुआ था दोस्तों, कब बना? तो ऑप्शन देखिए, ए है 2005, बी है 1995, सी है 1996, डी 1998। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? 1995, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में कौन सा इसमें नहीं है दोस्तों? ए है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पायरमेंट, बी है नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम NTCP, सॉरी बी है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP, सी है नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, डी है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस NPPCDS। तो इसमें से कौन सा दोस्तों नहीं है? तो इसमें से आएगा डी, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों NPPCD ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 87, दस्तक अभियान इज रिलेटेड, तो दस्तक अभियान किससे रिलेटेड है? ए है न्यूट्रिशन, बी है मेंटल हेल्थ, सी है एल्डरली हेल्थ और डी है ब्लाइंडनेस। तो इसके जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? ऑप्शन देखिए, ए आएगा न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, UIP प्रोग्राम वाज लॉन्च इन, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ दोस्तों? ए है 1975, बी है 1980 और सी है 1985 और डी है 1990। तो UIP दोस्तों कब लॉन्च हुआ था? तो आप राइट आंसर है सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट्स थेरेपी इज वाज स्टार्टेड अंडर, जो डॉट्स थेरेपी है किसके अंडर में स्टार्ट की गई थी, कैसे स्टार्ट की गई? जैसे RNTCP ऑप्शन ए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए बी है मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, सी है लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, डी है HIV/AIDS प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों देख लेते हैं क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों ये ए आएगा, RNTCP प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए, द नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च, ऑप्शन ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2018। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? डी आएगा 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज प्रेजेंट इसरो चीफ, जो इसरो चीफ हैं वो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए, डॉक्टर PKK अय्यर, बी है डॉक्टर R. बलूस्थान, सी है AS किरण कुमार और डी है K. सिवान। तो इसके जो राइट आंसर आएगा दोस्तों डी आएगा, किरण सिवान। और आप आपके नए लेटेस्ट ईयर में आप सर्च कर सकते हैं, ये 2019 के अनुसार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी हार्वी डिस्कवर्ड
ऑप्शन ए लॉ ऑफ हेयरडी, बी ए डायनामाइट, सी ए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और डी ए क्रिस्टल डायनेमिक। तो इसके जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, सी आएगा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है, स्टेट हैज इट्स ऑन सेपरेट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, ए है नागालैंड, बी है जम्मू एंड कश्मीर, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों नन ऑफ दीज, क्योंकि अभी सभी भारत अपना स्टेट ऑन नहीं रहा, अभी इंडिया में सम्मिलित हो गया, 370 धारा को हटा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऑप्शन है जनरल बी के सिंह, बी ए जनरल बिपिन रावत, डी ए जनरल बिपिन चंद्र जोशी, डी ए जनरल दीपक कपूर। तो इसके जो राइट आंसर आएगा दोस्तों जनरल बिपिन रावत आएगा। नेक्स्ट है मेरी कॉम फेमस, तो मेरी कॉम किसके लिए फेमस दोस्तों, ए है सिंगिंग के लिए, बी डांसिंग, सी बॉक्सिंग और डी रेसलिंग। तो मेरी कॉम तो दोस्तों सभी को मालूम होगा किसके लिए फेमस है, बॉक्सिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दोस्तों आप ऑप्शन क्या है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, आप अपने जनरल नॉलेज के अनुसार सर्च कर सकते हैं जो जिस ईयर में रहेगा ये, जब का क्वेश्चन बना उस समय के जो जनरल चीफ जस्टिस इंडिया के थे वो 2020 के अनुसार जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री वेंकैया नायडू, बी ए श्री रामनाथ कोविंद, सी ए श्री लाल कृष्ण आडवाणी, डी ए श्री जे पी नड्डा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों ये श्री वेंकैया नायडू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस किसके लिए बना है, कौन, ऑप्शन देखिए ए क्रिसेट जी बदेल पावल एच और सी ए जे एस दुरंत, डी ए ट्राई गेब लाई। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, जो स्टेथोस्कोप है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, आविष्कार किया गया है, तो ए है डुनलैप, बी है लेनी, सी ए बेसमर और डी ए एनुरवाग बुर्क। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, बी आएगा लेनिक के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, विस गैस काज भोपाल गैस ट्रेजेडी इंसिडेंस, तो ऑप्शन देखिए आइसो अमाइल एसीटेट, बी ए प्रोपिनेट, एसीट, सी ए मिथाइल ट्राईक्लोराइड, डी ए मिथाइल आइसोनाइड। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों मिथाइल आइसोनाइड आएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके सब्सक्राइब के द्वारा एनर्जी मिलने पर बना सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।